एक साउंड सुना, वो साउंड था फाइनली। अरे 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 इसके साथ रहते रहते थोड़ा स्मार्ट बन गया हूँ। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन अल्टीमेटली विंटर पे निकल गए अपन। 5 बजे के निकलने का टाइम था लेकिन निकले 7 बजे, लेकिन अभी भी ठंड है भाई। तो ब्लॉक की स्टार्टिंग में जय श्री राम भाई आप लोगों को। 22 तारीख को हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो एक कमेंट तो भाई श्री राम जी के लिए होना चाहिए। बाकी ये व्लॉग होप सो 22 तारीख के पहले ही आ जाए आप लोगों के पास। बाकी आज हम इस साइड देख सकते हो पूरा वाइट होके रखा है ना, मतलब पूरा फॉग होके रखा है भाई इस साइड। और अगर थोड़ा पहले आते तो हर जगह फॉग ही देखने के लिए मिलता, लेकिन हमारे साथ जो लोग रहते हैं ना वो सुबह उठने का बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। तो 5 बजे का टाइम था, 7 बजे निकले हैं। तो आज अपन जाने वाले एक पिकनिक स्पॉट पे, होप सो उस पिकनिक स्पॉट पे हम लोगों को जाने के लिए दे। और एक दिन आए थे लेकिन उस दिन पानी बहुत ज़्यादा था तो जाने के लिए नहीं दिया था, होप सो आज दे दे जाने के लिए। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे बहुत ही कमाल का नज़ारा। बाकी मेरे लेफ्ट साइड में तो गाइस बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि फटाफट मुझे उस लोकेशन पर जाके पहुँचना है और आप लोगों को दिखाना है भाई व्यू वगैरह। चलो गाइस इधर से तो भाई अपन क्लियर निकल गए, अभी आगे जाके देखना पड़ेगा क्या सीन रहता है। ओ हो ठंड तो लग रहा है भाई, ये देखो भाई शॉर्ट्स में अंकल जी, ठंड नहीं लगता है क्या? चलो दौड़ते हैं ना, तो वार्म अप वगैरह हो जाता है तो गर्मी चढ़ जाता है अपने बॉडी में। बाकी रोड ओए भाई की, एक टाइम के लिए मैं डर गया था भाई नीचे कुछ गाड़ी वगैरह ना आ जाए सामने की तरफ। ओ भाई विंटर में निकलने का मज़ा ही कुछ अलग होता है भाई साहब, मस्त लग रहा है भाई। थोड़ा और पहले निकल जाते ना तो कमाल ही लगता। होप सो एक राइड का प्लान हम लोग बनाए सब सारे दोस्त मिलके, तो निकल जाएंगे एक दिन सुबह सुबह। अभी तो थोड़ा थोड़ा फॉग है, ज़्यादा फॉग भी नहीं है। इस साइड देखो फील्ड में थोड़ा ज़्यादा फॉग है, बाकी सूर्य देवता हमारे उठ चुके हैं जैसा कि देख रहे हो। किरणें वगैरह पैरों पे पड़ना स्टार्ट हो चुका है भाई, ये देखो। चलो हम लोगों को भाई दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल गया। थोड़ा थोड़ा फॉग भी है और सामने की तरफ से सूर्य देवता भी आ चुके हैं, तो इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगा। आधा घंटा में थोड़ा गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी लोकेशन पे ऑलमोस्ट हम लोग हैं ना, पहुँच चुके हैं भाई। चलो। अरे इतना ज़्यादा स्पीड ब्रेकर वगैरह है भाई साहब। चलो आ चुके हैं भाई, देखो पिकनिक स्पॉट तो लिखा हुआ है लेकिन जय का नाम गाइस देख लो, आप लोग भी आ सकते हो बहुत ज़्यादा सामने। श्रीजीत मेघा समथिंग कुछ लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं, स्क्रीनशॉट मार के देख लेना गाइस आप लोग। बाकी सामने है लोकेशन तो आप लोग आ सकते हो भाई पिकनिक करने के लिए। और हम लोग गाइस नेक्स्ट संडे होप सो प्लान वगैरह बन रहा है, नेक्स्ट संडे हम भी पिकनिक जाने वाले हैं। तो हम जाएंगे तो भाई आप लोगों को भी साथ में लेके जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फन वगैरह करेंगे, ठीक है? तो देखना वो वाला ब्लॉग भी देखना। बाकी लेट्स सी, यहाँ पे पिकनिक का टेंट वगैरह मैं यहाँ से ही देख पा रहा हूँ भाई। चलो यहाँ पे आए। अगर ना जा पाए ना तो बेकार फ्लॉप हो जाएगा भाई, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था वो उस टाइम ना जा सकते हैं भाई, 4 व्हीलर जा पा रहा है, मेरे तो 2 व्हीलर ही है, लेकिन कैसे जाए ये क्वेश्चन है मेरा, कैसे जाए? अरे वो लोग कैसे गए? भाई साहब इधर कुछ तो अलग है, कैसे तो अलग रास्ता है जाने का, सिस्टम कुछ अलग है यहाँ पे, लेट्स सी गाइस। बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद हमको फाइनली मिल गया कि हम लोग कहाँ से एंटर कर पाए। ये जो बोर्ड देख रहे हो सृष्टि नगर लेफ्ट साइड हो जाने का, अभी भी नहीं पता कि हम लोग जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे, लेकिन लोकल लोगों से एड्रेस निकाला भाई किधर से जाए। अभी देखो 2 रास्ता है, अभी अपन फिर से कन्फ्यूज़ किधर से जाए, अभी किधर से होगा भाई,
ऊपर ट्राई करते हैं। मुझे लगता है भाई लेफ्ट साइड से जाना पड़ेगा, पहले तो लेफ्ट टर्न लेना है, उसके बाद अंदर जाके ना फिर से लेफ्ट टर्न लेना है, और लेफ्ट टर्न लेके सीधा आना है, आना 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 है, देन राइट टर्न लेना है आप लोगों को। राइट टर्न लेने के बाद फिर एक गली आएगा, जो कि अभी मैं आप लोगों को वो गली दिखाने वाला हूँ। सही है, मैं घुसा था इस गली से, लेकिन आगे भी एक गली है, उस गली से भी हम लोग जा पाएंगे। देखना पड़ेगा वो गली किधर है। ये देखो, ये मंदिर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जय भोले बाबा। ठीक है, इस टाइप का कुछ गली होगा, किधर से होगा गली, वही मैं ढूंढ रहा हूँ भाई। गली किधर है गली, ये होगा शायद, हाँ यही है। देख लो भाई, ये देखो लिखा हुआ है ना पिकनिक स्पॉट, इधर से जा सकते हैं अपन। किधर का रास्ता किधर को लेके आया, पानी नहीं कमाना गाइस, नहीं तो उस साइड से ही रास्ता हो जाता और एकदम सामने पड़ता, लेकिन इस साइड से आते हैं ना तो थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है अपने को। करीबन 5-6 किलोमीटर और ज़्यादा अंदर तक आना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोगों को पिकनिक स्पॉट मिलेगा। फाइनली आफ्टर ए 1 ईयर समथिंग कुछ ऐसा है कि मैं आया हूँ इस वाले लोकेशन पे। जो संडे को हम पिकनिक वगैरह जाने वाले थे ना गाइस, ये वाला लोकेशन हम लोगों ने चॉइस किया था, और मुझे अभी रास्ता मालूम चला। अगर हम लोग आ जाते और मुझे रास्ता मालूम नहीं चलता, क्योंकि लीड वगैरह मैं ही करने वाला था इस लोकेशन का, क्योंकि मुझे ही पता था ना इस लोकेशन के बारे में, सो दैट दोस्तों से भर भर के गाली खाता। उस वाले लोकेशन पे हम लोग थे, और अभी हम लोग इतना किलोमीटर पार करके इस वाले लोकेशन पे आए। भाई रास्ता देख पा रहे हो, धीरे धीरे से हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो गिरने का चांसेस है। एक काम करता हूँ भाई, अरे 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 ये बीच में से काट लेते हैं गाइस तो सही रहेगा। तो पहुँचते हैं एकदम लोकेशन पे, अगर बीच में कुछ मिलता है तो दिखा देंगे, नहीं मिलता है तो लोकेशन पे पहुँचने के बाद ही दिखाएंगे गाइस। यहाँ पे जो है ना मिट्टी वगैरह बहुत ही ज़्यादा है भाई। और गाइस ये छोटा छोटा जो टपरी वगैरह देख रहे हो ना, 7-8, यहाँ पे आप लोग अपना पिकनिक का स्थान ग्रहण कर सकते हो, मतलब बनाया हुआ है। बाकी टॉयलेट भी है गाइस यहाँ पे, बाकी मेरे हिसाब से जेंट्स तो भाई टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन लोगों को तो बाहर ही छोड़ना अच्छा लगता है, मेरे को पता है, लेकिन टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए गाइस। दो लोकेशन है, मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो, एक तो पिकनिक करने के लिए लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, दो लोकेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस साइड से भी एक लोकेशन जा पाता है, लेकिन मेरे हिसाब से बाइक वगैरह नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे खेती वगैरह हुआ है, तो पैदल आप लोग शायद से जा पाओगे। एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे रुक के ना थोड़ा देख लेंगे जाने का सिस्टम क्या है। बाकी यहाँ पे एक लोकेशन है जो कि नदी के सामने है, जहाँ पर लोग पिकनिक वगैरह करते हैं, लोग यहाँ पर भी पिकनिक करते हैं, और इस साइड पे मैंने ऑलरेडी खा दिया, यहाँ पर भी करते हैं, सो वही सीन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, दूर से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पे देखो डेंजर का साइन, अरे करंट वरेंट है क्या, ये देखो भाई यहाँ पे लगा हुआ है, तो बाइक वगैरह तो अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो खेती है मोटरसाइकिल का खेती है। होप्स हो कि पैदल जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन शायद ही किसी का प्रॉपर्टी है तो अंदर जाना, मतलब यहाँ पे डेंजर लिखा हुआ है तो जाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन उस साइड पे भी बहुत ही सुंदर लोकेशन है, पहली बार जब हम लोग आए थे ये जो जगह है ना, ये रोंगते हुए हम लोग उस साइड पे गए थे, और सेकंड टाइम जब हम आए थे भाई उस साइड पे गए थे, आज हम लोग उस साइड पे जाने वाले, क्योंकि परमिशन वगैरह वहाँ का ही है। बाकी लोकेशन जो है ना भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, देख रहे हो दूर दूर तक, मतलब बहुत बड़ा लोकेशन है, आप कहीं पर आके पिकनिक वगैरह कर सकते हो, वहाँ पर अपनी प्यारी काली है। बाकी अपन फाइनल लोकेशन की तरफ जाएंगे, वहाँ पर जाके देखते हैं भाई कैसा सीन रहता है। बाकी आज जो है ना पूरा मोटो व्लॉग हुआ है भाई, आप लोग जो बोल रहे थे मोटो व्लॉग करो अगर भाई, तो पूरा मोटो व्लॉग आपके भाई ने कर दिया है, तो जाओ फटाफट जाके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फटाफट जाके चैनल पे। सही है, बाकी चलते हैं फुल पावर लोकेशन पे और जाके आप लोगों को सीन वगैरह चेक करवाते हैं। भाई यहाँ पे मुझे कुछ बोलने का नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है दोनों साइड मेरे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी थोड़ा दिखा दूँ भाई कैसा लग रहा है। भाई ऐसा लग रहा है ड्रीम प्लेस जो होता है ना, ड्रीम प्लेस वैसा फील हो रहा है भाई। दोनों साइड में अलग टाइप का जंगल वगैरह है। बाकी काली को ना अपन फिलहाल के लिए यहाँ पर ही पार्क करते हैं, और देखते हैं भाई किधर जा पाएंगे। अच्छा नीचे भी जा सकते हैं क्या, पार्क किधर करें अपने काली को, नीचे कर देते हैं गाइस। ओहो उठाने में दिक्कत हो जाएगा फिर से। चलो आकाश भाई आप भी समझदार हो गए हो धीरे धीरे,
उठाने में दिक्कत हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि नए साल में काली गिरे, है ना। कंटेंट के लिए कुछ भी नहीं करने का अपने को, बाकी मैं इसके साथ रहते रहते थोड़ा स्मार्ट बन गया हूँ। ये भी जानती है, अरे ये क्या बोल दिया, मैं किधर से स्मार्ट हो रही। उतरो उतरो, चलो चलते अपन। फाइनली लोकेशन पे तो आ चुके हैं, और ब्रह्मपुत्र का भाई पानी चेक करो भाई, एकदम सूख चुका है। मतलब एकदम नहीं सूखा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सूख चुका है भाई, यहाँ तक पानी आता है। और देख रहे हो किधर पानी है, तो अपन जाएंगे अंदर की तरफ और जाके देखेंगे। हम लोग आ चुके हैं अभी नीचे, और हेलमेट खोलने के बाद हेयर स्टाइल को इग्नोर मारना। बाकी एक चीज़ मैं गाइस आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, जो कि ये पिकनिक स्पॉट है, थोड़ा साफ सफाई रखना चाहिए। बाकी ये देखो भाई क्या करके रखे हैं लोग यहाँ पे। सो वही चीज़ है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि भाई थोड़ा साफ सफाई मेंटेन करके रखना। जो चीज़ लाए हो एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का थैला लाओ, उसमें डालो और निकल जाओ, सही है। बाकी डस्टबिन में जाके कचरा वगैरह फेंक दो, कोई बात नहीं है। बाकी उस तरफ हम लोग जा नहीं सकते, हाँ, क्योंकि यहाँ पे बीच में से एक नदी है नदी है मतलब क्या, पानी काट के रखा है, तो उस साइड हम लोग जाने लगे। सोचे थे उस साइड जाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन जैसा कि देख रहे हो भाई यहाँ पर ही रुकना है अपने को। फाइनली यहाँ पे अब अपन ना रील वगैरह शूट करने वाले हैं, सो इंस्टाग्राम पे मेक श्योर फॉलो कर लेना आप लोग, तो रील वगैरह देख पाओगे, सही है। दोनों को ही फॉलो कर लेना भाई, इसके इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी फॉलो कर लेना क्योंकि ये ना रील वगैरह अपलोड नहीं करती है भाई, तो फिर भी फॉलो कर लेना। बाकी पिकनिक के लिए गाइस बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब क्या, दो गाड़ी तो फिलहाल आए हैं, बाकी और भी आएंगे क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है। बाकी रील वगैरह अपलोड नहीं करती है, फोटो वगैरह अपलोड नहीं करती है, तो इंस्टाग्राम चलाए क्या फ़ायदा, हाँ कुछ फ़ायदा है क्या, नहीं है, तो क्यों चलाते हो। सुबह सुबह उठ के आइए ना, कुछ बोलने का तो नहीं है, कुछ भी बोलने का नहीं है, ऐसे ऐसे ही आगे ही है, आना है जाना है, कुछ बोलना नहीं है। ब्लॉग में आप लोग देख ही पाओगे एक शब्द भी यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बस एक आया है शायद साउंड आया, तो वही है भाई सीन। बाकी रील वगैरह फुल पावर यहाँ भी शूट करते हैं। आज तो आपका भाई राइडिंग जैकेट वगैरह भी पहन के आया है, तो रील शूट करते हैं और निकलते हैं उसके बाद यहाँ से, सही है। एक साउंड सुना, वो साउंड था देखो कितना साफ पानी है, ये देखो मछली, ये देखो कैसे देख रही है मछली का नाम सुनती है, मस्त लगता है ये सब जगह। बाकी इस वाले लोकेशन पे पहुँचते ना भाई, सच्ची बताओ फट गया, क्योंकि रास्ता नहीं मालूम था, रास्ता जो मालूम था वो रास्ता नहीं था, चेंज हो गया था, तो रास्ता नहीं मालूम था। ये भाई स्टोरी लगा रही है अपने इंस्टाग्राम पे, तुम फॉलो कर लेना सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं, जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही चक्कर। तो गाइज अभी करीबन 9 बज रहे हैं, अपन यहाँ से हम दोनों निकलने वाले हैं यहाँ से। बाकी रील वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे शूट वगैरह कर लिया, और एक चीज़ है सर्विसिंग भी करवाना है, फोर्थ सर्विसिंग काली का आ चुका है, वो करवाना है, कल या परसों मैं करवा लूँगा, उसके बाद फुल पावर तैयार हो जाएगी और एक राइड का प्लान हो रहा है गाइज। ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी पिकनिक भी जाना है अपने को, राइड पे भी जाना है, तो सब कुछ करेंगे धीरे धीरे करेंगे गाइज। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी ब्लॉग में, तब तक के लिए ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो फटाफट जगह, सही है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, खुशियाँ बांटते रहो, टीयर्स। बाकी जय श्री राम आप सभी को।